थैंक यू। इतना मुसीबत आप पे आई है, क्या कहना चाहोगे? तो अभी चक्री दिदुन से भागकर सोनागाची से अभी बागची हवेली आई है और दिदुन को कहीं ना कहीं एक शक हो गया है कि चक्री क्योंकि अनाथ है वो और कहाँ जा सकती है, तो उसको ये शक हुआ है कि वो बागची हवेली आई होगी, नीरजा उसको लेकर आई होगी। तो वो कुछ फेक ईडी ऑफिसर्स को लेकर यहाँ पे आती है, तो अब क्योंकि वो हर कमरे की छानबीन करने वाले हैं तो इसलिए चक्री जो है ऐसे बाहर खिड़की के बाहर लटकी हुई है। हाँ, तो अभी नीरजा और अबीर को ऐसा लगता है कि हम ऐसे छुप छुप कर नहीं रह पाएंगे, तो अबीर के दिमाग में प्लान आता है कि मुझे एज अ सर्वेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि मौसमी जी ढूंढ रही हैं एक सर्वेंट, तो मेरा भेस बदल के मैं यहाँ आके रह सकूँ, तो हम सेफली यहाँ रह सकेंगे। दिदुन का जो मकसद था, जो काम करवाना था, अब पहले नीरजा बाड़ी से भागी तो दिदुन का खौफ वहीं से थोड़ा कम हुआ, और अभी चक्री भी उसकी आंखों के सामने से, उसके नाक के नीचे से चली गई है भाग के, तो वही दिदुन को गुस्सा वही चीज़ का है कि मेरी लड़कियां उनमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि ये भाग कर जा रही हैं। तो वही है, अभी आप लोग बस ऐसे प्यार देते रहिए, अभी हमारे शो में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, आपको बहुत मजा आएगा। हाय, आई एम अक्षरा तिवारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन सिने टॉकर्स। ओके, अभी पर्दा पूरा हटा के मैंने हाथ करना ले लो तो मिला नहीं इधर रोलिंग एंड पर्दे से कवर एंड आंसर देखिए जैसे